Hey, morning. So, चलो आप लोगों के लिए आज एक छोटा वाला आईक्यू वाला क्वेश्चन. सो इफ यू आर गिवन अ ऑप्शन इन योर लाइफ टू चूज ए काइंड ऑफ लाइफ हाई एक्सपेंस लो स्ट्रेस या फिर लो एक्सपेंस हाई स्ट्रेस, कौन सा वाला लाइफ आप चूज करोगे अपने लिए? ओके, कमिंग टू द वीडियो टॉपिक. सो वी गोना टॉक अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स. आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग क्रेडिट कार्ड से टोटल दूर रहो, क्रेडिट कार्ड्स मत लो, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स आई गेस इज द बिगेस्ट ब्लंडर इन इंडिया, क्योंकि उसमें इतना सारा हिडन चार्जेस रहता है, इतना सारा मतलब आपको पेमेंट जब करोगे आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने खर्चा भी नहीं किया था, इतना सारा कैसे आएगा. मैं आपको एक छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ. इन दुबई हैड बॉट वन ऑफ माई सोनी जीवी वन कैमरा. सो सोनी जीवी वन कैमरा हैड पेड समवेयर क्लोज टू एग्जैक्टली आपको 80 तो अभी मेरे को याद नहीं है, बट वेन हैड कैलकुलेटेड बैक इन स्टोर इट वॉज कमिंग समवेयर क्लोज टू 49,000. अभी मैंने जब इंडियन अमेजोन में देखा इट वॉज शोइंग मी 60,000, जो कि जीएसटी कट के भी 53,000 या 51,000 हो रहा था. मेरे को लगे चलो 3-4,000 रुपए तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो कुछ तो सेव होगा. सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड बॉट इट फ्रॉम दुबई. नाउ व्हेन आई हैव रिसीव्ड माय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इट सेज 54,000. सो बेसिकली फॉर ए 49 या 50,000 आइटम फॉर इन दुबई आई हैव पेड मोर देन 3,000 जस्ट इन फॉरेक्स चार्जेस. सो 3,000-4,000 जस्ट फॉर फॉरेक्स चार्जेस इज अ लॉट ऑफ मनी. मतलब सोच लो कि आप क्रेडिट कार्ड जहां भी मतलब घिसते हो कहीं भी आपका फॉरेक्स चार्जेस लगता है इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड. ऑफ कोर्स इंडिया में आपको फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगता है, इफ यू आर पेइंग इन INR यू आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट इफ यू आर पेइंग इन सम अदर करेंसी ऑफ कोर्स यू हैव टू पे ए लॉट ऑफ चार्जेस, एंड वो चार्जेस जो रहता है बहुत लंबा वाला रहता है. मतलब ये तो मैं आपको छोटा वाला एग्जांपल ओनली दे रहा हूं. 49,000 का आइटम, इफ माय बिल इज क्लोज लाइक 3 lakhs या 5 lakhs, वो 5 lakh में पकड़ लो 40,000 या 50,000 तो ओनली फॉरेक्स चार्जेस एंड जीएसटी ये सब मिला के रहता है, एंड वो भी है ये वाला जीएसटी आप क्लेम भी नहीं कर सकते. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज क्रेडिट कार्ड से टोटल दूर रहो. ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला चक्कर अपना टाइम एंड पैसा मत वेस्ट करना, टोटल भिखारी हो जाओ, क्योंकि वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैव बीन ट्राइंग टू स्पेंड, मतलब इवन इफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स दे जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू स्पेंड सो दैट आई कैन इनकम मोर रिवॉर्ड पॉइंट्स. वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जब जोड़ते हैं कोई एक भी फ्लाइट टिकट भी नहीं बनता है. सो बेसिकली एक फ्लाइट टिकट के लिए भी आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है. इट्स बेटर टू जस्ट गो अहेड एंड स्पेंड इट फ्रॉम योर सेविंग्स बैंक अकाउंट रादर देन वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड्स पॉइंट. एंड जो रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला पॉइंट रहता है वो बहुत लॉन्ग मैराथन जैसा ही रहता है. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट डोंट waste your precious time and money on trying to build a reward points empire. अभी मैं आपको छोटा वाला example देता हूँ. This is one of the most useless card I have paid for in 2020. इसके लिए I have paid close to 22,000 एंड ये वाला 22,000 कम्प्लीटली वेस्ट. तो मेरे पास आई बेसिकली यूज टू क्रेडिट कार्ड्स जो कि अभी मैं बंद कर रहा हूँ. एक भी क्रेडिट कार्ड मैं नहीं रखूंगा. मे बी आई विल जस्ट कीप वन सिटी बैंक. एक्सिस बैंक का है वन विस्तारा कार्ड, जिसमें विस्तारे वाले बोलते हैं कि बहुत सारा ऑफर से ये है वो है. बाकी उनको क्या प्रॉब्लम ये है कि अब ये कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि जितना सारा ऑफर्स था वो वाला विस्तारा कार्ड में ऑफर्स वेर ऑफकोर्स गुड, तो वो क्या कर रहे हैं ऑफर्स डाल रहे हैं उसको फिर एक्सपायरी कर रहे हैं. तो बेसिकली आई डोंट अंडरस्टैंड इट. कोरोना के टाइम में आप अगर ऑफर्स देते हो तो ऑफर्स हैज टू बी एक्सटेंडेड. आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको दे भी रहे हो एक्सपायर भी कर रहे हो एंड यू आर स्टिल चार्जिंग द मनी फ्रॉम द कस्टमर. सो बेसिकली डजंट वर्क आउट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड मे बी कैंसिल द विस्तारा कार्ड. इट डजंट मेक सेंस कीपिंग दैट कार्ड और पेइंग प्रीमियम फॉर दैट कार्ड, एंड वोला मेंबरशिप का एक्स्ट्रा पैसा देकर कोई भी फायदा नहीं है. एंड अगेन ये जो है मेरा सिटी बैंक का कार्ड के साथ आया था. आई हैव वेंट अहेड एंड डाउनग्रेड माय सिटी बैंक कार्ड एज वेल. वो कार्ड भी मेरा कोई काम का नहीं है भाई. 25,000 दे के कोई अगर फीचर्स यूज नहीं करते हो, मतलब मेरे पास इतना सारा कूपन्स है बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू यूज दोस कूपन्स, एंड वो भी सिटी बैंक वाले भी वो सब कूपन्स को टोटल एक्सपायर कर चुके हैं. सो ये जो प्रायोरिटी पास कार्ड है इसका मतलब ये है कि दिस इज बेसिकली मतलब क्या बोलते हैं लग्जरी कार्ड बोल सकते हो. सो ये जो प्रायोरिटी पास वाला कार्ड है व्हाट इट बेसिकली डज इट गिव्स यू फ्री एक्सेस टू द लाउंज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एयरपोर्ट को जाते हो वहां पे आपका लेवर टाइम इज मोर देन 5 or 6 hours. सो ये जो कार्ड है आपको फ्री में एक्सेस दे सकती है. फॉर एग्जांपल आप कोई भी एयरपोर्ट में जाते हो वहां पे आपको 5 घंटे का लेवर है, वो 5 घंटे के लिए लाउंज वाले दे आर गोइंग टू आस्क यू क्लोज टू 5,000 rupees. तो 5,000 इज अ लॉट ऑफ मनी. व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज यू कैन हैव ए क्रेडिट कार्ड विच इज गिविंग यू प्रायोरिटी पास कार्ड एज वेल. ये वाला कार्ड दिखा के ये वाला कार्ड को स्वाइप करके फ्री में वो लाउंज पे एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई एक भी पैसा देना नहीं है. बाकी ये है कि ये जो प्रायोरिटी वाला पास कार्ड है ये वाला जो मेरा था ये 2021 तक था एंड 2021 में टोटल अभी एक्सपायर हो चुका है. 1 साल तक एक बार भी यूज नहीं हुआ. सो आई हैवेंट यूज इट इवन फॉर ए सिंगल टाइम क्योंकि द कोरोना हैज ऑलरेडी फक्ड अप द होल स्केड्यूल. 2020-2021 कंप्लीटली फक्ड अप. सो एक बार भी अपने को जाने के लिए टाइम नहीं मिला. सो ये वाला प्रायोरिटी पास कार्ड इज कंप्लीटली वेस्टेड. कोई एक बार भी मतलब एक बार भी ये घिसा भी नहीं, आप देख सकते हो एक बार भी ये घिसा नहीं है. सो दिस कार्ड इज एब्सोल्युटली ए वेस्ट. सो अगर इफ यू आर समवन हु इज ट्रैवलिंग ए लॉट
Then for them, priority pass card is highly recommended. But if you are someone who is not traveling, priority pass card doesn't even make sense. क्योंकि ये only आपको तभी use होगा जब आप कोई भी lounge वाला access करते हो. क्योंकि ये वाला question कुछ लोगों ने, मैं ये वाला just Instagram में जब भेजा था एक story, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये card क्या है, इसके बारे में क्या है, एक बार video में बता देना. That is the reason I had to explain for about this one. And यहाँ मेरे को लगता है the credit card system is completely मतलब broken kind of. क्योंकि जब आप credit card लेते हो, वो तब आपको पूरा एक लंबा वाला features list देते हैं कि हमारे पास ये offer है, वो है, ये coupon है, वो coupon है. बाकी अब लेने के 6 महीने के बाद बोलते हैं कि ये वाला भी डिडक्ट हो गया, ये वाला ऑफर और नहीं है, ये वाला आप यूज नहीं कर सकते. सो आई डोंट गेट इट. आप देने के टाइम एक बात बोलते हो, उसके बाद जब मिड ऑफ द ईयर में फिर आपका कुछ एक रूल चेंज होता है, ऑफर्स ऑटोमेटिकली कट जाता है, बाकी आपका पैसा वही सेम रहता है. द चार्जिंग यू द एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ मनी, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दोस फीचर्स व्हिच यू आर एंटाइटल्ड टू गेट. सो ओवरऑल व्हाट आई रिकमेंड इज, इफ यू आर समवन हु वांट्स अ क्रेडिट कार्ड, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू हैव अ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत हेल्प भी करता है. मैं तो कहूंगा कि कोई भी लग्जरी कार्ड मत लो, कोई मतलब वो जो प्रीमियम वाला कार्ड मतलब कोई भी एक छोटा वाला कार्ड लो, जिससे आपका मतलब जितना रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो सके. वो जो कूपन सिस्टम, रिवॉर्ड पॉइंट्स, इसके पीछे भागने के लिए प्रीमियम वाला कार्ड लोगे टोटल फंस जाओ. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 99.999% ऑफ पीपल डोंट इवन गेट टाइम टू रीड अबाउट दोस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैसे करना है, कैसे इसका रिवॉर्ड पॉइंट्स बढ़ाना है, कैसे इसका कूपन को मतलब अवेल करना है. सो बेसिकली पीपल डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट प्रीमियम वाला कार्ड लेके पैसा नहीं बर्बाद करने का, कोई भी सिंपल वाला कार्ड लो विच इज गोइंग टू गेट योर जॉब डन. नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्रेडिट कार्ड्स वाले पैसा कैसे कमाते हैं. लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड्स तो मस्त है भाई, बैंक ने अपने को एक फ्री में लोन दे दिया, हम यूज करेंगे, लास्ट में पे कर देंगे. अभी जो क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारा वेज है पे करने का, मतलब पे करेंगे नहीं, मतलब दैट इज हाउ दे मेक मनी. सो दोस क्रेडिट कार्ड्स मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम वेरियस वेज. फर्स्ट, चार्जेस में. आप कोई भी सामान खरीदते हो, कहीं भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज लगता है. इवन इफ द वेंडर इज नॉट गोइंग टू चार्ज, इवन इफ द मर्चेंट इज नॉट गोइंग टू चार्ज, ही इज गोइंग टू पे इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. सो क्रेडिट कार्ड वाले वो जो परसेंटेज लेते हैं हर स्वाइप में, उनको लगता है एक ट्रांजेक्शनल चार्जेस लगता है. सेकेंड इज, आप जब भी आपका एक पेमेंट वाला रिमाइंडर आता है पूरा कि इतना आपका पेमेंट है, आपको टोटल आपको पे करना है. इफ यू आर समवन हु इज मेकिंग द होल पेमेंट ऑन टाइम, देन यू आर कंप्लीटली फाइन. बाकी 90% ऑफ लोग क्या करते हैं, उसका आधा पेमेंट करते हैं, बोलते हैं और आधा हम कुछ दिनों बात कर देंगे. उसके बाद उसमें जो इंटरेस्ट ऐड होता है, विच इज अ लॉट, 30-40% इंटरेस्ट रहता है, एंड इट्स आई गेस इट्स अ लॉट ऑफ मनी. एंड और एक मस्त वाला वे जिसे क्रेडिट कार्ड्स वाले पैसा बनाते हैं, वो है मिनिमम पेमेंट वाला ड्यू वाला सिस्टम. आपका कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है, देखते होगे कि टोटल बैलेंस इज 1,18,000, मििनिमम इज 12,500. लोगों को लगता है 1,00,000 तो बिल हो गया है, बाकी मिनिमम तो बैंक बोल रही है कि मिनिमम इतना देने से भी क्रेडिट कार्ड्स काम करने वाली है. सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट मेक द पेमेंट ऑफ द मिनिमम बैलेंस, पूरा वाला नहीं देते हैं. बस वहीं पे हो गया सिस्टम, वहीं पे हो गया खेल. उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स वाले उनका आपका जितना भी पेंडिंग रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट 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 जोड़ते जाते हैं, आपको उसको भी पे करना पड़ता है, एंड उसके साथ आपका जो मतलब क्रेडिट स्कोर रहता है वो भी नीचे घटता जाता है. सो दिस इज बेसिकली हाउ क्रेडिट कार्ड कंपनीज मेक मनी, एंड दिस इज अगेन ए लॉट ऑफ मनी. इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, 90% ऑफ क्रेडिट कार्ड्स यूजर डोंट इवन मेक देयर फुल पेमेंट ऑन टाइम. सो दिस इज बेसिकली बिग मार्केट. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, अगर भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, आपका जितना भी बिल आता है, मेक द पेमेंट ऑन टाइम एंड मेक द फुल पेमेंट. वो जो ब्लंडर है आपका मिनिमम बैलेंस वाला, मतलब मिनिमम पेमेंट वाला ड्यू, उसको नहीं देखने का. टोटल जितना बिल होगा ऑन टाइम पे करने का, कभी भी ड्यू डेट तक वेट मत करना, नहीं तो बहुत पैसा आप गिनने वाले हो. सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड इन सम वे. जस्ट इन केस इफ द वीडियो हेल्प, नीचे जो लाइक वाला बटन उसको मार देना, फ्री है, सब्सक्राइब वाला बटन मार देना. एंड अगर आपने इतना तक वीडियो देख भी चुके हो तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना, सो एटलीस्ट सम मोर पीपल कैन लर्न अबाउट दिस थिंग. एनीवेज आई विल सी यू गाइस विद अ न्यू वीडियो.